पिछले 11 दिनों में कि देखा जाए तो मुगल सराय में मैंने डेटा एनालिसिस किया तो दिवाली के पहले PM 2.5 का लेवल 6 दिनों में 171 और PM 10 2254 यानी 254 जो मानक से 2.5 और PM 10 3 गुना रहा। और दिवाली के बाद ये इसका लेवल अचानक मानक से बढ़ गया और इसका लेवल नोट किया गया मैक्सिमम 294 और ये 558 जो मानक से PM 2.5 4.5 गुना सॉरी और PM 10 5 गुना बढ़ गया। जो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मानक है PM 2.5 का 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM 10 का 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो इसका लिमिट जो तय किया गया है जो मानक से जो भी मॉनिटरिंग के दौरान जो किया गया जो मानक से कई गुना अधिक पाया गया। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें अगर मुगल सराय में तो वहाँ क्या भी चल रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स इस टाइम में चल रहा है 448 आज का तो फोर दिल्ली में 300 फोर है, उससे ज़्यादा है हाँ इंडेक्स है जी वहाँ से इस इससे समय ज़्यादा? दिल्ली में एक्चुअली मशीनें 19 से प्लस मशीनें वहाँ पे इंस्टॉल है। और बनारस में देखा जाए तो अदली बाजार में एक मशीन स्थापित है CPC हम लोग के द्वारा मुगल सराय में एक मशीन स्थापित किए गए हैं जो उसके दौरान आज का मॉनिटरिंग अभी तक का जो स्थिति है मुगल सराय में उसका क्वालिटी इंडेक्स इस समय 458 बताया जो मैंने अभी जो बताया जो सीवियर की स्थिति में आता है। मतलब दिल्ली से भी खराब हालत है दिल्ली मुगल दिल्ली सराय से में। भी खराब हालत है इधर का। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है इसका सबसे पहला असर जो है आपके सांस पे होता है। ये जब डस्ट आपके फेफड़ों में जाती है तो जो सांस की लाइनिंग है उसमें सूजन पैदा कर देती है। सूजन पैदा करने से वो सांस की नली सिकुड़ जाती है, मतलब उसके उसका दायरा कम हो जाता है और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। और वो मरीज़ जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं या जिनको COPD है उनको इससे और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है जो हम सब फेस करते हैं। इन दिनों सांस के मरीज़ बढ़ जाते हैं और उनको भी उनकी दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो देख सकते हैं कि कितना धूल और डस्ट कितना उड़ रहा है। हम लोग गमछा लेके बिना ना चले तो चलना दूभर है। और दूसरी चीज़ जो है सड़क पर जिस दिन झाड़ू नहीं लगता है उस दिन बहुत बहुत धूल उड़ता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ये स्थिति है यहाँ की। इस पर स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है और ये इस पर इसकी सफाई तो ज़रूर होना चाहिए, जबकि देश भर में पॉल्यूशन को लेके सफाई पर जो है सरकार हमारी बहुत सजग है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कितना पॉल्यूशन है। एक रिसर्च की माने तो मुगल सराय की आबोहवा बेहद ख़राब हो चुकी है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े को पार कर गया है जो इंसानी जीवन के लिए बेहद खतरनाक है, और जल्द ही इसके ठोस और अस्थायी उपाय नहीं किए गए तो अंजाम बेहद भयावह हो सकता है। कमलेश गिरी ET भारत चंदौली।